अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बॉस जी, रसीद का रौला पै, रसीद का की रौला है? रसीद पुत्रा, अगर जिम्मेदार नू पता लग गया ना कि रसीद किड्डी कीमती शै आ, तो हो सकता है भी जिम्मेदार जेड़ा ना जिंदे तो कुछ शै लवे ना, तो उन्हें गल पै जाए भी तू मैनू रसीद क्यों नहीं दिती। अज मैं तुहानू दसना है भी रसीद हुंदी किवें आ, सही रसीद किहड़ी हुंदी है। ये जेहड़े डीलर हजरात ने जदों भी तुसी कोई चीज़ खरीदते जे किस किस तरीके नाल तुहानू गलत रसीद बना के देंदे ने, ते अगर रसीद सही होवे तो उन्दे तो सानू की फायदे ने, यह गल अज मैं करनियां ने। ते मैं चाहवांगा कि कोई भी जिम्मेदार या जेहड़ा किसी तरह भी किसान दे नाल जिंदा तलक हैगा ना, वो ये गल पूरी सुने लाजमी, और जे कोई रह गया तो उन्हें शेयर भी करे। गल इंज भी रसीद, पहली तो गल रसीद हुंदी की, असर रसीद कि सब तो पहली गल ये आ कि जेड़े भी किसी डीलर कोलों किसी भी बंदे कोलों तुसी कोई सीड कोई चीज़ लैनी है, बीज लैना है किसी फसल का भी, सब तो पहले उनकी डीलरशिप चैक करनी, उन्होंने पिछे घर या बोर्ड लाया होंगे उनके डीलरशिप टंगी होंदिया, तो शर्माया ना करो, पैसे देने होंगे ने। शर्म जी ना होर बड़िया कामों कर ली दी, इस काम च ना करया करो, पहले उनकी चैक करो कि उनके को डीलरशिप हैगी है या नहीं, या ड्रामेबाज है। हूँ उनकी भी वजह तुम दसना कि तकरीबन 50% जिहड़ा कोई भी सीड है ना या कोई भी चीज़ है वो लोग सेल कर रहे हैं जिहड़े प्रॉपर डीलर नहीं है किसी कंपनी के। वो फिर जिहड़े ये लोग ने ये की करते हैं कि क्योंकि ये किसी गल के जवाबदेह नहीं होंगे, रिस्पोंसीबल नहीं बनते, तो ये फिर किसी जगह पर गलत बीज भी बेचते हैं, दो नंबर बीज भी बेचते हैं, और फिर बाद जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करते। हूँ असल रसीद होंगी की है, रसीद जिस दुकान तो भी तुसी कोई चीज़ लैनी है, सीड लेना है, उन्हें सब तो पहले उनकी डीलरशिप चैक करो कि जिस कंपनी का तुसी सीड लै रहे ये उस कंपनी की उनके को डीलरशिप है या नहीं है। अगर डीलरशिप है तो उनके को चीज़ लवो, चीज़ की कीमत वेखो, किसी सूरत भी MRP तो बाहर MRP उत्ते एक कीमत लिखी होंगी है, वो कंपनियां ने बड़ी ज्यादा लिखी है, मैनू इस गल का पता है, लेकिन एक दिन आएगा कि वह भी मसला हल करावांगे। बहरहाल MRP तो बाहर कोई बंदा कोई चीज़ सेल नहीं कर सकता किसी सूरत भी, अगर कोई करे तो मैं उन्होंने डांगा नाल डकांगा, इस गल के गवाह रहा जी मैं, तुहानू एक दिन ऐसा आएगा तुहानू साबित करके विखावांगा भी इन्हां नूं मैं डकना किवें आ। दुआ करो बस जिंदगी रहे इंशाला। तो तुसी उनकी डीलरशिप चैक कर ली, हुण तुसी उनके कोलो चीज़ रेट भी तय कर लिया सीड का या किसी भी शायद खास तौर पर बीज का या दवाइया का कोई भी चीज़ है, तो रेट तय कर लिया, हुण तुसी उनके कोलो रसीद बनवानी है, तो उनके कोल पैड होगा जिहड़ा जिंदे उत्ते उनकी दुकान का नाम लिखा होगा, थले मोबाइल नंबर और काफ़ी चीज़ा लिखिया होंदिया ने, वो जिहड़ा पैड है ना उस पैड के उत्ते तुसी अपना नाम लिखवाना है, वो डीलर का नाम दुकान का उत्ते लिखा होंदा है, उस तो बाद तुसी जिहड़ी बी जिहड़ा बीज जिहड़ी शै लै रहे हो उनका नाम लिखवाना है। मिसाल के तौर पर तुसी सिंजेंटा कंपनी की कोई एक प्रोडक्ट लै रहे हो, सिंजेंटा कंपनी की फलां प्रोडक्ट इन्नी इनकी मकदार है, ए इनकी कीमत है, इन्ने पैसे बने ने, ए तारीख है, ठीक है, और सब तो थले उनके सिग्नेचर उस डीलर दे ते स्टैंप, स्टैंप समझ लो कली एक पासे ते पूरी रसीद एक पासे, स्टैंप तो बगैर रसीद नहीं लैनी। एक गल होगी रसीद जिहड़ी सही रसीद हो ए आ। हुण दूसरी गल है कि रसीदा भी दो तरह दियां, एक रसीद हो ए जिहड़ी डीलर हजरात जिहड़े ने उन्हां कोल पैड पए हुंदे ने ते ओह पैड़ां दे उत्ते बना के दिंदे ने, एक रसीद हो ए जिहड़े कई वड्डे डीलर जिहड़े ने उन्हां ने आटोमैटिक मशीनरी रखी है जिंदे विचों रसीद निकल आउंदी, ओह कंप्यूटर दे विच टाइप करके रसीद कढ दिंदे ने, जिहड़ी ओह रसीद कढ के दिंदे ने कंप्यूटर चों टाइप करके उहदे उत्ते भी तुसी बाद विच सिग्नेचर ते स्टैंप लगवानी है। ते जिहड़ी दूसरी सादा रसीद है उहदा तुहानूं तरीकाकार दस दित्ता है, तारीख स्टैंप सिग्नेचर ये तीनों चीज़ा इंतहाई जरूरी ने। हूँ डीलर हजरात करते की ने भी तुहानू मैं गल दस दिना, कई लोग वो ने जिहड़े किसी कंपनी के डीलर ही नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी डील कोई बंदे को तुसी जाते हो उनके कोल होर काफ़ी प्रोडक्ट पईयां ने, लेकिन उनके कोल सिंजेंटा की तुसी प्रोडक्ट लेंदे हो, सिंजेंटा का डीलर नहीं हैगा। हूँ तुसी उन्हूं कहोगे कि मैनू रसीद बना के देवे, उन्हें रसीद नहीं असल बना ही नहीं सकता रसीद, क्योंकि वह सिंजेंटा का डीलर नहीं है। अगर असी कल नूं किसे तरह कोई कानूनी चाराजोई करांगे तो कहेगा जी कंपनी कहेगी जी साडा तो यह डीलर ही नहीं, इस बंदे ने तो दवाई क्यों ली है या बीज क्यों लिया, असी इहदे जिम्मेदार नहीं है।
ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਤ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਸੀਦ ਖੂਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾ ਗੁਆਚ ਜਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਡ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੈਡ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਡ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲੈ ਪੈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੀਲਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡੀਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਹਿ ਡੀਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਸੀਦ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਸ ਰਸੀਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸੀਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਰਸੀਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਗ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਗ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਹਾਲ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯਤੀਮ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਂਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।